इसराइल और फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के बीच पिछले 8 दिनों से जंग लगातार जारी है। 7 अक्टूबर को शुरू हुई ये जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इस जंग में बच्चों और महिलाओं की दिल दहला देने वाली घटनाएं भी लगातार सामने आ रही है। इस जंग का अप्रत्यक्ष असर अब भारत के शहरों में भी दिखता नजर आ रहा है। दरअसल खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली के साथ साथ कई शहरों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। एजेंसियों का कहना है कि देश की राजधानी दिल्ली सहित कई शहरों में प्रदर्शन की आड़ में माहौल खराब करने की कोशिश हो सकती है। इस खुफिया इनपुट के बाद अब दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड में आ गई। खुफिया इनपुट मिलने के बाद शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के दौरान दिल्ली के सभी अधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ सड़कों पर मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक दिल्ली सहित बाकी कुछ शहरों में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है। बता दें कि इसराइल की एम्बेसी सहित यहूदियों से जुड़े तमाम स्थानों और यहूदी धार्मिक स्थलों पर पहले ही दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा रखी है। बता दें कि 7 अक्टूबर को शुरू हुई इसराइल हमास जंग को आज 8वां दिन है। जानकारी के मुताबिक अब तक हमास के हमलों में 1200 से ज्यादा इसराइली नागरिक मारे जा चुके हैं, 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 95 से ज्यादा परिवारों के लोगों को हमास के आतंकी अपने साथ बंधक बनाकर ले। जानकारी के मुताबिक हमास अब तक इसराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट फायर कर चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलिस्तीन में भी करीब 900 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और करीब 4000 लोग घायल। वहीं आपको बता दें कि इस जंग में अमेरिका खुलकर इसराइल के पक्ष में खड़ा हो गया है। जो बाइडेन लगातार आतंकवाद पर निशाना साधते हुए इसराइल के पक्ष में बयान दे रहे हैं हमास के हमले को बाइडेन भयावह क्रूरता बता चुके हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटन ब्लिंकन इस वक्त इसराइल के दौरे पर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले को अंजाम देने के लिए आतंकी संगठन हमास ने पूरा प्लान पहले ही तैयार कर लिया। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।